हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच ये न्यूज़ निकल के जरूर आ रही है। इन सभी की बात करेंगे, चाहे वो एनसीएलटी का केस हो या फिर डेप्थ का रिजोल्यूशन हो, 5G ऑक्शन डील हो, सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं फोरम सेंटीमीटर पे। इन फोरम सेंटीमीटर पे एक स्थिति यदि चेक करें तो सबसे पहले फोरम सेंटीमीटर पे 60% जो लोग हैं वो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह दे रहे हैं। वहीं पे जो 33% लोग हैं वो यहाँ पे होल्डिंग की बता रहे हैं एंड 7% लोग यहाँ पे पैनिक है, वो यहाँ पे सेलिंग की बता रहे हैं। वैसे तो काफी ज्यादा शेयर का प्राइस यहाँ पे फॉल हो चुका है। एक यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बता रहे हैं नो डीलिस्ट, कोई भी यहाँ पे डीलिस्ट नहीं होने वाला है एंड नो एनसीएलटी। यहां पे ना कोई एनसीएलटी है ना कोई डीलिस्ट से रिगार्डिंग ऐसी कोई बैड न्यूज है। डेट रिजोल्यूशन की जल्दी यहां पे न्यूज आएगी, डेट सॉल्यूशन एंड न्यूज आउटकम्स। यहां पे ये बोल रहे हैं कि लगातार यहां पूरी ये पॉजिटिव मोड में चल रहे हैं, जबकि यहां पे शेयर का प्राइस गिर के 1.15 रुपए आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ना तो यहां पे डीलिस्टिंग, ना यहां पे एनसीएलटी, ना यहां पे डेट रिजोल्यूशन, ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। ये सभी न्यूजेस आप सभी के बीच र्यूमर्स बन के जरूर फैल रही होंगी, तो वो मैंने एक बार यहां पे आपको कंफर्म कराना सही समझा। बकाया दिया आज के दिन देखें तो 4% के लोअर सर्किट के साथ 1.15 रुपीज के साथ बंद हुआ है। मैं लगातार आपको बताता रहा हूं कि इसका कोई भी सपोर्ट अब 1.40 रुपए के बाद नहीं है। यदि मैं आपको यहां पे पहले वाला सपोर्ट दिखा देता हूं तो उससे आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा। 1.40 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था यदि वो सपोर्ट यहां पे टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो यहां पे बनता है 1 रुपए के नीचे बनता है। एंड यदि मैं आपको वो ये सपोर्ट्स भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सपोर्ट्स बनता है ये 65 पैसे का सपोर्ट है। यहां पे जाके शेयर का प्राइस थमने का नाम लेगा, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आ रहा है। बकाया यदि आप 50 डेज डीएमए देखें, इस प्राइस पे 0.78 है एंड 200 डेज पे 0.77 है। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे 0.78 प्राइस पे 68 पैसे पे एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट यहीं बन के निकल के आता है। देन फिर सेकंड सपोर्ट यदि देखें तो 50 पैसे पे फिर एक सपोर्ट यहाँ पे, तो दो सपोर्ट यहाँ पे एक के बाद एक दो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आते हैं। देन फिर उसके नीचे काफ़ी नीचे सपोर्ट है, उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है यदि नीचे की तरफ गिरा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया 65 पैसे के बाद 50 पैसे का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे बन के नज़र आता है। उसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें, एक और इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बोल रहे हैं नो चांस ऑफ रिजोल्यूशन द बे इस कंटिन्यू फॉल फ्रॉम 2.35 टिल टुडे। वहां से गिर के 2.35 रुपए से गिर के आज तक गिर रहा है 1 रुपए एंड यहां पे बात करें 1.15 रुपए तक जा पहुंचा है। एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर एंड कंपनी इज गोइंग फॉर एनसीएलटी एंड देन डीलिस्ट। यहां पे बोल रहे हैं कंपनी यहां पे एनसीएलटी में जाएगी, देन फिर वहां से डीलिस्ट होने को दिखेगी। जेन्युइन न्यूज़ में क्या है, आप सभी लोगों के बीच ये र्यूमर्स यहां पे जरूर आए। एनसीएलटी का जो केस है वो यहां पे ये रहने वाला है। यहां पे कोर्ट में जो पेंडिंग पड़ा है मामला वो पेंडिंग यहां पे पड़ा है, अभी उस पे कोई भी सुनवाई नहीं है। आने वाले मंथ में यहां पे सुनवाई होगी। क्या यहां पे एनसीएलटी का केस रहने वाला है वो मैं आपको यहां पे थोड़ी ब्रीफ में जरूर बताना चाहूंगा। यहां पे क्या है कि कई सारे लेंडर्स हैं, उनका यहां पे बकाया है, वो अपना बकाया देने में असक्षम रहे, जिस कारण से यहां पे एनसीएलटी में ये कंपनी जाने को दिखी, क्योंकि इनने डेप्ट ले रखा था, डेप्ट ये चुकाने में असफल रहे, डेप्ट चुकाने में एंड जो इंटरेस्ट पे आउट करने थे वो भी ये चुकाने में, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे असक्षम रहा, जिस कारण से इनने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि इनके जो लेंडर्स हैं, जो इनकी 14 कंपनियां लेंडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कुछ हिस्सा देने में नाकामयाब रही। जैसे उन्हें क्या इनको मिलता है, भूमि का जो क्या होता है किराया, ये सभी वो कंपनियां देने में असक्षम रही। ये बात है 2018 की, जब टेलीकॉम क्राइसिस हुए थे तो इस कारण से इन्हें काफ़ी लॉसेस हुए थे उस कारण से, एंड वो कंपनियां वहां पर डूब चुकी थी, भागती हुई भी देखने को मिली, जिस कारण से इसे बहुत लॉसेस के सामने करने पड़े। इन्होंने अपने क्वार्टर फोर्थ की रिजल्ट्स में एक रिपोर्ट लगाई, उसमें इन्होंने बताया है कि ये कंपनी यहाँ पे फिर से उभर सकती है, जबकि गवर्नमेंट को एक 5G पैकेज यहाँ पे अनाउंस करना होगा, जिसके साथ ये कंपनी आगे बढ़ चढ़ के काम अपना आगे को करेगी, जिस कारण से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको लॉसेस होने से बच सकता है, ऐसा इनका कहना है। बकाया एनसीएलटी का केस अभी भी यहाँ पे पेंडिंग में है। यहाँ पे कहाँ पेंडिंग में, वो मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे उसके द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है आपको इस चैनल पर डिस्क्राइब कर दी जाएगी। एक यहाँ पे इन्वेस्टर वो बता रहे हैं, इंडिया हैज कंफर्म्ड डेट
13 सिटी 13 सिटीज में यहाँ पे होने वाला है 5G सर्विसेज लागू होने वाली है 2022 तक। वो इन्होंने यहाँ पे सिटीज भी लिखे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद एंड पुणे एंड आगे भी लखनऊ एक सिटी का नाम नीचे भी दिया गया है। साथ साथ यदि बात करें बल्क बाइंग स्टार्ट फ्रॉम टूडे, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, बल्क बाइंग स्टार्ट फ्रॉम टूडे, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ 5G, 5G की अच्छी मतलब 5G की मतलब अच्छाइयों के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में यहाँ पे बाइंग की जा रही है रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या होने वाला है, क्या ये सही में सही बोल रहे हैं यहाँ पे बाइंग बल्क में की जा रही है, वो अभी हम यहाँ पे बात कर लेंगे वॉल्यूम एनालिसिस में। सबसे पहले यदि वॉल्यूम देखें तो जो वन मंथ में वॉल्यूम इस शेयर के आते थे 9 करोड़ के, वो वन वीक में ओनली 9 करोड़ के तो देखने को मिले, जिसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें डिलीवरी पैटर्न 50% से अवब हुआ करता था, वो अभी ओनली 43% तक जा पहुँचा है वन वीक के एवरेज में। एंड यदि स्टेडिक कल की बात करें तो वॉल्यूम भी कम हुए हैं एंड डिलीवरी बेस पैटर्न भी कम हुआ है, ओनली 42% की डिलीवरी उठने को देखने को मिली है, जबकि वॉल्यूम 9 करोड़ से घटते हुए 6 करोड़ को जाने को दिखा है। आज की यदि बात करें आज की क्या डिलीवरी रही है, 47% की डिलीवरी VSE के काउंटर पर देखने को मिली है, जबकि आज के दिन VSE के काउंटर पर 1,80,00,000 के अराउंड के शेयर यहां पर ट्रेड हुए, 85,000 के अराउंड के शेयर यहां पर डिलीवरी बेसिस पर उठे हैं। तो 47% की डिलीवरी BSE पे एंड यदि NSE के काउंटर पर बात करें तो ओनली 41% के अराउंड की डिलीवरी यहाँ पे भी समझ में आ रही थी। एक ज़्यादा डिलीवरी नहीं है जो यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि क्वांटिटी ट्रेडिंग यदि आप यहाँ पे चेक करें तो 4,48,98,000 के अराउंड की देखने को मिली, जबकि ओनली डिलीवरी यहाँ पे 1,83,00,000 की। तो डिलीवरी बेस काफ़ी यहाँ पे नेगेटिविटी काफ़ी कमी है, यहाँ पे यदि 60% के अवफ की एक डिलीवरी आ जाती है तो देन वहाँ से एक अच्छी पॉजिटिविटी लेते हुए हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस पैटर्न काफ़ी कम है, पिछले टाइम यदि देखें तो 50% के ऊपर डिलीवरी पैटर्न रहा करता था वन मंथ के एवरेज में। देन आप यहां पे देखें चाहे वो VSE काउंटर हो चाहे वो NSE काउंटर हो, 47% NSE का काउंटर, 41% तो 50% से दोनों के नीचे ही डिलीवरी उठने को देखने को मिल रही है। तो यहां पे एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन जब ही आएगा जब यहां पे 60% के अराउंड की डिलीवरी उठना स्टार्ट हो जाएगी। तो ह्यूज क्वांटिटी ह्यूज डिलीवरी यहां पे जो भी लोग बोल रहे हैं वो यहां पे बिल्कुल गलत है, कोई भी यहां पे ह्यूज डिलीवरी अभी उठने को देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही ह्यूज डिलीवरी आएगी आपको इस चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी, उसके लिए आप यहाँ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना है। एंड एक बात यदि ASM लिस्ट की बात करें AMO सेक्शन आफ्टर मार्केट ऑर्डर की यदि बात करें तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 18,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी सेलिंग के लिए 1.15 रुपये पर लगी पड़ी है, जो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग में कल के दिन थोड़ी सा सेलिंग प्रेशर जरूर देंगी, जिस कारण से यहाँ पे 1.15 रुपये का शेयर का प्राइस हो सकता है 1.13 रुपये, 1.12 रुपये, 1.10 रुपये पे ओपन होने को दिखे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ी सा है, इतना ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग प्रेशर है। एंड ASM लिस्ट की बात करें तो ASM लिस्ट से अभी ये शेयर बाहर निकलने को दिखा है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लगातार ASM लिस्ट की मैं जानकारी आपको देता रहूँ, चाहे वो ASM स्टेज 4th में था, देन फिर 3 में आया, देन फिर 2 में आया, देन फिर 1 में आया, लेकिन पॉजिटिविटी शेयर के प्राइस में देखने को नहीं मिली, जबकि ASM में लगातार सुधार होता रहा है, लगातार पॉजिटिविटी शेयर में ASM के रिगार्डिंग आती रही है। बट यहाँ पर कैसे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी वो यहाँ पर 5G रोल आउट होने के बाद ही देखेगी। 5G रोल आउट की जो डेट है यहाँ पर सामने आ रही है, जून लास्ट डेट सामने आ रही है, बकाया हम यहाँ पर जून में भी डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कशन करते रहेंगे 5G नेटवर्क के बारे में, 5G लॉन्चिंग के बारे में एंड रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उसके पहले आप यहाँ वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।